चार पीस दे दो। अरे मेरा पास 100 पीस है, एप्पल की मोबाइल लेके घूम रहा है, अक्कल भी तो आना चाहिए। ये कितने का वैल्यू है इसका? एप्पल का है। हाँ अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ वीडियो मन बना, बंद कर इसको। ये बोले एयरपोर्ट्स में लेके आऊँ दिल्ली की चोर बाजार से, आप यकीन नहीं करेंगे मैं इनको कितने रुपए की लेके आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या भाई ओरिजिनल है या फिर लोकल, और इनकी साउंड क्वालिटी भी चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग वो सारी क्लिप्स देखो जब मैं इनको खरीदने गया था और मुझे कितने की पड़ी है। हम लोग आए हैं दिल्ली की चोर मार्केट, कुछ चोरी का नहीं, जी हाँ एप्पल का सामान लेने। देखेंगे हम तो ढूंढने आए वो मिलेगा नहीं, एप्पल का फोन, एप्पल के एयरपोर्ट्स अगर मिलेंगे तो कितने के मिलेंगे, चलिए चलते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी, काफी देर बाद हमें एक अंकल जी मिले जो कि कुछ बेच रहे थे। एयरपोर्ट्स ओरिजिनल है और रुक जाने है, लग तो नहीं रहा। चेक कर लो, आवाज चेक कर लो, स्कैन कर लो, गूगल पर सर्च कर लो, खोलो, कह रहे ओरिजिनल है। ओरिजिनल है सही में, ओरिजिनल है। देखो पॉप अप आ रहा है आपके में, आया। तो वहां पे हमें उस टाइम पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे पास जो एयरपोर्ट थे वो ओरिजिनल है या फिर फेक। हमने इनकी काफी देर तक टेस्टिंग करी, म्यूजिक चेक किया, कई और लोगों भी चेक करवाया, सबको वहां पे तो काफी ज्यादा पसंद आ रहे थे और लगभग सभी लोग कन्विंस हो रहे थे कि ये एयरपॉड्स असली हैं और काफ़ी कम कीमत में हमें यहाँ पे मिले जा रहे हैं। 3000 में उन्होंने बताया, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया, सोच रहे थे कहीं नकली ना निकल जाए, इस चक्कर में लिया ही नहीं, फिर अगली दुकान पे गए। बताओ दे रहे हो तो छोटू, ये कहता है किंग वाला नहीं है, बॉट्स है किस कंपनी का। 300 रुपये दो, आओ दो 300 रुपये दो, हाँ दो। पैसे मजाक कर रहे हैं भाई, बता दे रहे हो। हाँ हजार रुपए लेगा, नहीं वो दे रहा था ना इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाले भाई 1000 रुपए में इनको देने में तैयार हो गए, तो हमें ये पता चल गया कि कोई ना कोई इनको इससे कम कीमत में भी देगा। पैसा कितना लगा देंगे? 25 में लगा होगा, 2 पे भी 25 ही चल रहा होगा। कितना लगा देंगे? 1500 बोलिए। नहीं है बाबू, नहीं 300 में दो लेंगे फिर। नहीं है भैया, देना दे दो। क्या रेट है? 1500 रुपये की। सही बताओ, दो उठानी है, सही बताना जायज। आपके पास चार पीस दे दो। अरे मेरा पास 100 पीस है, एप्पल की मोबाइल लेके घूम रहा है, अक्कल भी तो आना चाहिए। ये कितने का वैल्यू है इसका? एप्पल का है। हाँ अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ वीडियो मन बना, बंद कर इसको। मार्केट में जिस हिसाब से एयरपोर्ट्स मिल रहे थे तो मेरा शक बढ़ गया कि भाई ये असली तो नहीं हो सकते, ज्यादा पैसे लगाना गलत हो जाएगा। इस बार हमने पूरा प्लान बना लिया कि लेना ही लेना है, चाहे असली हो या नकली, इस बार ले लेते हैं कितने की मिल जाए। तो इसलिए हमने इनकी भी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमें ये वाला पीस पक्का उठाना था मार्केट से। यहाँ पे हमने काफी देर तक इनकी टेस्टिंग करी और कन्फर्म हो गया कि हाँ ये वाले एयरपोर्ट्स ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं असली नकली की पहचान यहाँ पे नहीं कर पाया था, काफी हॉस पॉस थी वहाँ पे। तो फाइनली हमने रेट तय कर लिया। तो भाई अभी तो आपको पता चल ही गया होगा कि इन एप्पल एयरपोर्ट्स को मैंने खरीदा सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में। भाई बिलीव नहीं हो रहा है, एकदम क्या ही बताएं, 600 रुपए में एप्पल एयरपोर्ट्स जिनकी कीमत है करीब 22,000-23,000, मतलब 27,000 तक के लोगों ने इसे खरीदे, हमने खरीदे सिर्फ 600 रुपए में। तो चलो, तो इसका बॉक्स भाई काफ़ी सही लग रहा है, लग रहा है कि एकदम ओरिजिनल है। वैसे अभी हमें नहीं पता ओरिजिनल अभी फेक है। यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट्स बने हैं इसको मैं फील कर सकता हूँ, थोड़ा सा टेक्सचर्ड फिनिश में है, मतलब प्लेन नहीं है, यहाँ पे फील हो रहे हैं बिल्कुल असली के एयरपोर्ट जैसे, बॉक्स जैसे। और यहाँ पे एयरपोर्ट्स प्रो वायरलेस चार्जिंग केस, इस टाइप की काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो बॉक्स तो काफ़ी सही है, तो अभी हम लोग इसे ओपन करते हैं। ओके, अंदर से भी भाई देख लो, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ओहो, बुकलेट्स भी मिली हैं जिससे लग रहा है कि भाई ये ओरिजिनल है।
तो यहाँ पे भी कौन पड़ेगा इनको। और ये रहा हमारा एयरपॉड्स प्रो, वो ये देखो इसको अपने साइड में बॉक्स में और देखते हैं क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे हमें मिली है ये एक टाइप सी तो लाइटनिंग केबल, ठीक है इसको भी रखते हैं साइड में, और कुछ एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप्स, ठीक है इसको भी रखते हैं, अरे अरे गिरो मत, इसको भी रखते हैं साइड में। और फाइनली हमारा 24,000 वाला एयरपॉड्स प्रो सिर्फ 600 रुपए में। देखने में तो भाई एकदम ओरिजिनल लग रहा है, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। यहाँ पे पेयरिंग बटन भी है, नीचे लाइटनिंग पोर्ट है। तो भाई कुल मिला के इसकी बॉक्स पैकेजिंग और एक खुद प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। 600 रुपए के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। और अब हम लोग करने वाले हैं इसका ओरिजिनलिटी टेस्ट, देखते हैं कि भाई ये एयरपॉड्स असली है या नकली। बहुत ही आसान तरीका है, अपना आईफोन लेंगे, इसके बगल में इसे ओपन करेंगे, ओवे वाह पॉपअप आ गया, नॉट योर एयरपॉड्स प्रो, ठीक है भाई मेरे ही हैं, पागल है क्या, होल्ड बटन दबाना है सब पीछे पिछवाड़े में, तो मैंने दबाया होल्ड बटन, कनेक्ट हो जा, और ये एयरपॉड्स प्रो कनेक्टिंग। यहाँ पे 100% बैटरी है इनमें और 70% है केस में, कंटिन्यू, और ये कनेक्ट हो गए हैं। तो देखो अभी पता चल जाएगा ये असली है या नकली। तो उसको चेक करने का जो मेरा मेथड है वो ये है, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो दिख रहा है, इस पर टैप किया, ठीक है यहाँ पे इसके ऑप्शंस आते हैं कि नॉइस कैंसलेशन हटाना है, लगाना है, ऑफ़ करना है, ट्रांसपेरेंसी पे जाना है। तो यहाँ पे मैं इसे नॉइस कैंसलेशन को ऑफ कर रहा हूँ और ये ऑफ नहीं हो रहा है, मैं ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन कर रहा हूँ और ट्रांसपेरेंसी मोड भी ऑन नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना होने की वजह है इसका फेक होना। तो चलो ये तो एक हो गया नॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका है इसके सीरियल नंबर से चेक करना कि असली है या नकली। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाल के वेबसाइट पर चेक किया और जहाँ पे पता चल रहा है कि ये एयरपॉड्स असली हैं, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, इन लोगों ने जानबूझ के किसी पुराने एयरपॉड का सीरियल नंबर यूज़ किया है, जिस वजह से यहाँ पे ये हमें असली शो हो रहा है। और ऐसा होने पर कई लोग धोखा खा सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ सीरियल नंबर सही होने पर ये मत मान लीजिएगा कि सामने मिलने वाला एयरपॉड असली एयरपॉड है, आपका बहुत लंबा वाला कट सकता है। यहाँ पे हमने सिर्फ 600 रुपये में लिया, तो भाई हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आप ही लोग बताओ 600 रुपये में आप कहाँ से असली एयरपॉड्स पा जाओगे। अगर चोरी का भी होगा ना तो 24,000 का एयरपॉड्स अगर ओरिजिनल है तो वो 600 रुपये में कोई नहीं देने वाला। तो जाहिर सी बात है ये एक कॉपी या फिर बोल लो फर्स्ट कॉपी एयरपॉड्स की हैं, जो कि 600 रुपये में आपको दिल्ली के चोर बाजार में मिल रही हैं। लेकिन इन लोगों ने इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रखी है कि सच में दूर से छोड़ो पास से भी बता पाना कि असली है नकली एकदम इम्पॉसिबल सा है, जब तक आप खुद से इसका ओरिजिनलिटी टेस्ट ना करो। यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग देखो, जिसने भी इस प्रोडक्ट को बनाया काफ़ी डिटेलिंग के साथ बनाया है, इसके केस में भी सीरियल नंबर दिखाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है जैसे कि ओरिजिनल वाला हो। इसके ईयर टिप्स में भी सीरियल नंबर लिखा गया है, एकदम सामने वाला तुरंत का तुरंत शॉक में आ जाए कि भाई ये तो ओरिजिनल एयरपॉड्स ही हैं। लेकिन ये सीरियल नंबर ओरिजिनल नहीं है, तो सीरियल नंबर लिखे होने से ये नहीं हो जाता है कि आपकी एयरपॉड्स असली हैं। क्या आपको पता है आप में से कुछ लकी विनर्स के पास है ANC वाले एयरपॉड्स जीतने का मौका? नहीं पता, आई बटन एक वीडियो है उसे जाकर देखो, पक्का क्या पता आप ही जीत जाओ एक ANC वाला एयरबड। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि भाई इसके बारे में क्या कहा जाए, इसका फुल एंड फाइनल रिव्यू। तो बात करें इसके साउंड क्वालिटी की, तो भाई इसका बेस, इसका ट्रेबल, लो पिच, मिड पिच, हाई पिच और जितने भी सब फैक्टर्स होते हैं उन सबके मामले में ये एकदम नहीं है भाई। सच बता रहा हूँ, इसकी साउंड क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से जो कि 600 रुपये है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है सही में। मतलब जो ईयरफोन्स आते हैं 1,000 से 2,000 की रेंज में, इसकी साउंड क्वालिटी लगभग उनके जैसी है, ये उनको काफ़ी हद तक टक्कर दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है अपने प्राइस के हिसाब से 600 रुपए के हिसाब से। लेकिन क्या इसे आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं, इसके भाई दो
केस हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ गाना सुनने के लिए इसे यूज़ करना है तो भाई मेरे हिसाब से इनको बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि इतने प्राइस में आपको काफ़ी सारे ब्रांडेड ईयरबड्स मिल जाएंगे, मीवी बोट, उनकी साउंड क्वालिटी इससे बेहतर है। मैं आपको कुछ बेहतरीन ईयरबड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो किनको लेने चाहिए ये वाले ईयरबड्स भाई देखो, तो इन शॉर्ट अगर आपको सॉफ्ट करना है तो बहुत ही मस्त चीज़ है, अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो काम चल जाएगा, लेकिन बेटर क्वालिटी का सॉन्ग सुनना है तो ब्रांडेड ईयरबड्स ही खरीदें। तो इस वीडियो में हमने देखा एप्पल एयरपॉड्स का क्लोन, जो कि हमने लिया दिल्ली की चोर बाजार से, और भी बहुत मस्त मस्त वीडियो आने वाली हैं चोर बाजार की, वो आपको आगे मिल जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, कमेंट में ये भी बताओ कि चोर बाजार से और कौन सी चीज़ खरीदी जाए, नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो पे आ गए 5000 लाइक्स, अच्छा बाय बाय।